मनुष्य जन्म लिया है तो कोई कार्य अधूरा छोड़ के नहीं जाना, पूरा करना। यू मस्ट कंप्लीट एवरी गोल ऑफ योर लाइफ, अधूरा नहीं, कोई कमी नहीं छोड़नी अपने अंदर, कोई बुराई नहीं छोड़नी, सब कुछ शुद्ध कर लेना, जो उसके बाद जब बैठो तो लगे कि यस आई हैव लिव्ड माय लाइफ, आई एम हैप्पी विद माय सेल्फ। उस समय ये नहीं होना चाहिए आई एम फीलिंग सॉरी फॉर माय सेल्फ। यू शुड नॉट फील सॉरी फॉर योर सेल्फ, यू शुड से आई एम हैप्पी फॉर माय सेल्फ। और जीवन में जो भी घटनाएं आई हैं, ठीक है, आई एक्सेप्ट देम, आई वेलकम देम। और कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, रिमेंबर वन थिंग, नोबडी कैन बी परफेक्ट। जीवन में गलतियां होती हैं, अब उसमें जो व्यक्ति अपनी गलती से जो मुसीबत आई है उस पे अटक के बैठ जाए, सारा जीवन बिता दे, तो बेकार हो गया। उसके बदले जो गलती से मैंने उठना सीखना है, आई मस्ट लर्न टू गेट अप व्हेन आई फॉल। अगर गिर गया तो परमानेंटली गिरा रह गया, वो नहीं है, मुझे उठना आना चाहिए। आई मस्ट लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक, आई एक्सेप्ट आई मेड मिस्टेक्स, लेकिन प्रश्न ये है, हैव आई आउटग्रोन फ्रॉम माई मिस्टेक्स, क्या मैं ऊपर उठा हूं कि नहीं उठा जाए। और उसके लिए जैसे जैसे तुम साधना, क्योंकि जो है अपने अंदर इतनी ताकत नहीं होती, इसलिए परमात्मा की शक्ति, गुरु की शक्ति चाहिए होती है। तो जब आप साधना में बैठते हो तो उस समय जो आपको शक्ति दी है, शिव योग की शक्ति, वो आपकी सहायता करती, दैट इज द गाइड। The empowerment of Shiv Yog is your guide. उस समय वो गाइड करेगी और आपको अनुभव होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे, पकड़े हुए हो, तो रिलीज वाइब्रेशन बढ़ जाएंगी, आप देखोगे बहुत तेज वाइब्रेशन हो रही, या बहुत तेज शरीर के अंदर मूवमेंट होगा, या आंसू बहुत तेजी से बहना शुरू होंगे, कुछ भी हो सकता है, because that पावर ऑफ गॉड, जो शिव योग की शक्ति है, दैट इज योर गाइड। और वो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी मुसीबत आई, जो भी कुछ दुख था, इमोशनली यू फील डिस्टर्ब, उसको बॉडी में फील करो, फील इन योर बॉडी। फील किया, किसी को कोई पेट में फील हुआ होगा, किसी को हार्ट में फील हुआ होगा, किसी को सिर में फील हुआ होगा, किसी को कहीं भी फील हुआ होगा, दैट्स ए इंडिकेशन कि जो भी कुछ एनर्जी, हाई एनर्जी, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी ही क्यों ना हो, वो जब क्रिएट होती है तो वो इंट्रासेलुलर मेमोरी में वो ट्रांसफर होती है, इंट्रासेलुलर मेमोरी। इसलिए किसी का अगर बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट है तो उसकी किडनी जो है वो इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। किसी को फियर है बहुत ज्यादा तो उसको लंग्स या उसका हार्ट, उसके ऊपर जो है, अगर किसी के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो उसकी जो है वो घुटने इफेक्ट करने शुरू होते, सेल्स ऑफ दैट। अगर किसी को ये लगता है कि बहुत बड़ा बोझा है, बड़े सारे बच्चे हैं, बड़ी सारी लड़कियां हैं ब्यानी, और भले ही काम बहुत अच्छा चल रहा हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो भी उसकी पीठ में दर्द होने शुरू हो जाएगी। ये इंट्रासेलुलर मेमोरी, वो सारा कुछ जो इनग्रेव हो रहा है वो उसके अंदर है, तो अगर उसको दूर करना है तो वो इंट्रासेलुलर मेमोरी से रिलीज, तो जहां हम नहीं कर पा रहे, जहां हम अपने लॉजिक माइंड से कहते होगा कैसे, होगा कैसे, जबकि जो डिवाइन एनर्जी वो बोलती, जस्ट सरेंडर टू मी एंड सीक एंड आई विल डू इट फॉर यू। हम फिर भी कहते ले होगा कैसे, जस्ट आस्क मी एंड आई विल डू इट। तो वो जब नहीं होता तो वो जो है फिर वो एनर्जी कहती हटो परे, तुमसे क्या बात करनी, डायरेक्ट ही ढक्कन खोलो और इंट्रासेलुलर मेमोरी से निकालो। तो उस समय तुम्हारे को स्पंदन होगी, वाइब्रेशन होगी अलग अलग जगहों पे, यहाँ बहुत ज़्यादा झटके लगेंगे। और अगर कोई आदमी ज़्यादा ताकत से उसको पकड़े हुए कि नहीं रिलीज करने दूंगा, तो बॉडी एक भी हो सकता है। देयर इज अ फाइट बिटवीन, तुम्हारे को हील करने के लिए किससे फाइट होती है, तुमसे होती है।